एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के शॉर्ट नोट में हमें क्या मेंशन करना है ये देख लेते हैं। पहला है डार्ड प्लानेटरी डिफेंस ऑफ नासा, ठीक है, डिफेंस एट नासा, ठीक है। इसमें क्या है कि डार्ट जो है वो है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। अब प्रोनंशिएशन आप खुद सही करिएगा अगर मैं गलत बोल रही होंगी कुछ भी। तो इसमें यह है कि ये एक एयरक्राफ्ट है जो कि कोलाइड हो गया है स्पेस रॉक डाइमॉर्फोस से, ठीक है, के साथ कोलाइड हुआ है, ठीक है। अब डार्ट के बारे में जान लेते हैं, न्यूज़ में है कि ये क्या है। ये एक लो कॉस्ट स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है। टू सोलर एरे एंड यूजेस हाइड्रोजन प्रोपेलेंट इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। और ये कैरीज करता है क्या, 10 kg ज़ेनॉन, ठीक है, प्रोनंशिएशन करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रही होंगी। ये यूज़ होता है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एजेंसीज न्यू थ्रस्ट, ठीक है, और जो कि नासा का इवोल्यूशनरी ज़ेनॉन थ्रस्टर है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है न्यू टेक्नोलॉजी को तैयार करना, ठीक है, इन केस कोई एस्टेरॉयड है, ठीक है, वो हेड करता है टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है। फ्यूचर में अगर कोई भी एस्टेरॉयड है वो अर्थ के तरफ आता है तो उस समय ये क्या करेगा, प्रिपेयर्ड करेगा, ठीक है। तो मतलब एक न्यू टेक्नोलॉजी प्रिपेयर की जा रही है इन केस कि जो एस्टेरॉयड है वो अर्थ की तरफ आए फ्यूचर में, तो उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। आगे देखते हैं, ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 भी इससे रिलेटेड है। ये बहुत ही पहले आया था, एक दो साल पहले, दो तीन साल पहले, पर उसको भी हम पढ़ लेते हैं कि कैसे ये इससे रिलेटेड है। तो एक जो ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 है वो एक इलेक्ट्रिक प्लान है जो कि टेस्ट किया गया था नासा के द्वारा। और इस पे क्या है, और हाँ, जो ये अभी हम पढ़ रहे थे कौन सा डार्ट, उससे रिलेटेड देखते हैं कि इस पे काइनेटिक इम्पैक्ट, जो काइनेटिक इम्पैक्ट टेक्निक भी है जो कि अपीयर होती है जो भी हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं, जो साइंटिफिक जो एक मूवीज़ बनाते हैं वो लोग, ठीक है, जैसे कि जो डीप इम्पैक्ट, ठीक है, और इन सब पे बना रहता है, ठीक है, और इसको कहते हैं किक मेथड। अब दूसरा हमारा न्यूज़ है लैक ऑफ क्वालिटी इंजीनियरिंग एजुकेशन। तो आ जाया है कि लैक ऑफ क्वालिटी इंजीनियरिंग एजुकेशन में, तो मैं ज़्यादा नहीं लिखी हूँ, बस मैंने इतना ही इसमें बताया है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है एडुकेट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो एडमिटेड मतलब एडमिट करने के लिए 20-67 लाख स्टूडेंट को। और उसके आगे अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, पर हाँ ये जान लेंगे कि किन्होंने ये सर्वे करा, मतलब किन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। आगे आ जाएंगे, इसके बाद है गवर्नमेंट बैंड यूट्यूब वीडियोस। तो आपको पता है गवर्नमेंट ने बैन किया है यूट्यूब वीडियोस, तो उसके पास ये अधिकार कहाँ से है तो वो देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 69A ऑफ जो IT एक्ट है, ठीक है, सेक्शन 69A जो IT एक्ट का है वो इम्पावर करता है गवर्नमेंट को ब्लॉक करने के लिए कोई जो भी कंटेंट होते हैं वो उन कंटेंट को ब्लॉक कर सकता है जो अपहेल्ड करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है ओनली इफ, मतलब कब वो कर सकता है बैन, अगर जो रूल प्रोवाइड किया गया है प्रोसीजर वो सेफगार्ड नहीं होता, नीड टू इशू नोटिस, अगर उनको नोटिस इशू करने की ज़रूरत है बिफोर अ ब्लॉकिंग ऑर्डर, मतलब कुल मिला के जो सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट है वो इम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि ब्लॉक कर सकती है कंटेंट, पर वो कब कर सकती है, पहले उसको एक प्रोवाइड कराना होगा, प्रोसीजरल सेफगार्ड प्रोवाइड कराना होगा पहले, बैन करने से पहले इशू करना होगा नोटिस, ठीक है, बिफोर ब्लॉकिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ब्लॉक करने से पहले इशू करना होगा नोटिस, ठीक है, सेफगार्ड करने के लिए जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो प्रोवाइड करती हैं प्रोसीजरल सेफगार्ड, उसके पहले ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी तब वो बैन कर सकता है। अभी देखिए उसके बाद क्या हुआ, इनवोक द IT जो इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस है और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है जो कि रूल 2021 का है, उसमें ये बताया गया कि इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी गठित हुई, उसमें क्या हुआ, कंसीडर कंप्लेंट्स वन कंटेंट एंड मेक रिकमेंडेशन, मतलब उसमें क्या होगा कि कंसीडर किया जाएगा जो भी जिस भी कंटेंट के खिलाफ कंप्लेंट की गई है, पहले उसको कंसीडर किया जाएगा,
ठीक है, फिर रिकमेंडेशंस होंगी, फिर जो अथोराइज्ड ऑफिसर्स हैं ठीक है उनके पास जाएगा, उसके बाद ये अप्रूव होगा, ठीक है, इसका अप्रूवल होगा जो सेक्रेटरी हैं आईबी के, ठीक है, आईबी के सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये सारी चीज़ें करके तब इस पर बैन किया जा सकता है। दूसरा हमारा न्यूज़ इंडिया नेपाल टाइज से रिलेटेड आया है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि जो नेपाल है उसने साइन किया है MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ, इंडिया के साथ, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन जो है कॉरपोरेशन उसमें NHPC उसके साथ MOU साइन किया है नेपाल ने। इसमें क्या है, किस चीज़ के लिए है, लिमिट करने के लिए, लिमिटेड टू डेवलप वेस्ट सिटी एंड सिटी रिवर। अब ये भी मैं अगर गलत बोल रही हूँगी तो ये सही करिएगा, क्या है, कौन सी रिवर है, मेरे हिसाब से तो सेठी या कुछ, मतलब देख लीजिएगा। तो लिमिटेड टू डेवलप द वेस्ट सेठी एंड द सेठी रिवर SRC प्रोजेक्ट जो कि टोटल 1200 मेगावाट में है, ठीक है, और जो ये MOU है 2022 का, ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि चाइना 3 जॉर्ज इंटरनेशनल जो कि असाइन हुआ है डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट को। अब इंडिया, देखो इसके साथ साथ क्या हुआ है, इंडिया ने MOU तो इंडिया और नेपाल का जो साइन हुआ है वो हुआ ही है, इसके साथ साथ इंडिया जो है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है महाकाली ट्रीटी में, ठीक है, महाकाली ट्रीटी जो है उसमें जो है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ठीक है, जो 6480 मेगावाट का है। अब अपर करनाल प्रोजेक्ट भी है, ठीक है, और अरुण 3 प्रोजेक्ट भी है, ठीक है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न नेपाल में। तो ये रहा हमारा आज के द हिंदू का शॉर्ट नोट का।